प्रॉब्लम 34 में एक ट्यूनिंग फॉग दे रखा है बच्चों, जिससे रेजोनेंस मिल रहा है अपन को, मीन्स स्टैंडिंग वेव्स मिल रहे होंगे ग्लास ट्यूब के अंदर। लेंथ ऑफ एयर कॉलम उसको एडजस्ट करते हैं अपन पिस्टन की हेल्प से। आप मान के चलो कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर रहा है, टेम्परेचर की वैल्यू दे दी है और दो सक्सेसिव लेंथ जिन पर रेजोनेंस मिल रहा है अपन को वो है 20 और 73। तो एक को लिख लीजिए आप लोग L1 और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा L2। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ट्यूनिंग फॉग की 320 है, मतलब यहाँ पे F का टर्म होगा 320। ये एक इलस्ट्रेशन के फॉर्म में मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। लेट से दो लेंथ पे अपन को मिल रहा होगा आंसर, तो हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। ठीक है, तो अपने को वेलोसिटी बतानी बच्चों। सीधा सा एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का, इसको V से देखते हैं। टू लिखा, न्यू का टर्म लिखा और डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव लेंथ, तो ये हो जाएगा L2 - L1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 का टर्म आया, इसकी वैल्यू दी हुई है 320, यहाँ हो जाएगा 73 - 20। सेंटीमीटर्स में है इसलिए यहाँ पे एक इसकी टर्म भी आएगी। आपको दिख रहा होगा ये 2 लिखा है, 320 है, इसका आंसर होगा 53 × 10⁻²। आंसर मिल रहा है बच्चों अपने को 320 × 106, 10⁻², जो कि आसपास आपको मिल जाएगा 339। स्पीड है तो आंसर आएगा अपना meters per second और ऑप्शन नंबर 3 अपना सही जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं।